ऐसी नदी जो नेपाल में हिमालय से निकलती है, जो बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिला होती है, जिसके क्रोध को शांत करने के लिए उन जनपदों की स्त्रियां उफंदे नदी में सिंदूर फेंकने लगती है। आखिर कौन सी है वो नदी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिला होती है। इसमें आने वाले बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल अल्मोड़ा जनपद के बारामंडल परगने के बरौरी पट्टी के अंतर्गत भटकोट बूढ़ा पिनपात शिखर के दक्षिण पश्चिम में है। अल्मोड़ा नैनीताल से होते हुए उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिलाने वाली कोसी कुमाऊं प्रदेश में बहुत घाटियों का निर्माण करती है। लोक मान्यताओं में कोसी को शापित नदी माना गया है। कहा जाता है कि कोसी समेत रामगंगा, सरयू, भागीरथी, काली, गोरी और यमुना नदी कुल 7 बहनें थीं। सभी बहनों में कोसी गुशैल निजात की थी। एक बार 7 बहनों में एक साथ चलने की बात हुई, बाकी बहनें जब समय पर नहीं पहुंची तब कोसी गुस्से में अकेली चल दी। बाकी बहनों ने जब कोसी को न देखा तो उसे श्राप दिया कि तू हमेशा से अलग थलग बहेगी और तुझे कभी पवित्र नदी नहीं माना जाएगा। कोसी नदी का उल्लेख स्कंद पुराण में भी हुआ है। स्कंद पुराण में कोसी को कौशिकी कहा गया है। वाल्मीकि पुराण में कोसी को ऋषि की पत्नी व महर्षि विश्वामित्र की बहन भी माना गया है। कहा जाता है कि कोसी से शरीर स्वर्ग पाई थी और परोपकार के लिए नदी रूप में पृथ्वी पर पुनः अवतरित हुई है। कुश के वंशज विश्वामित्र जैसे कोसी को खो गए, उसी तरह इस नदी का कौशिकी कहा गया, जिसका पूर्व जन्म में नाम सत्यवती था। धारा पानी से निकलने के बाद कोसी दक्षिण दिशा में बहती है। पहले इसमें रुद्र धारा मिलती है, आगे चलकर चोपड़ा चौंसिला नामक स्थान पर सुयाल गाढ़ आकर मिलती है। सुयाल और कोसी नदी के संगम पर शिव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का महत्व मानस खंड में बताया गया है। यहाँ से यह पश्चिम दिशा की ओर बहने लगती है। शल्ट पहुँचने पर यह एक तीखा मोड़ लेती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। शल्ट से मोहान के बीच इसकी दिशा उत्तर पश्चिम तक रहती है। मोहान से रामनगर के बीच कोसी का पाट काफ़ी चौड़ा होता है। अल्मोड़ा की सीमा के अंतर्गत इसके बाएँ ओर खीराकोट, माला इत्यादि प्राचीन गाँव हैं। इसके बाद कोसी काकड़ी घाट उतरती है। माना जाता है कि काकड़ी घाट में पीपल के पेड़ के नीचे विवेकानंद को आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर कोसी खैरना गर्म पानी कैची धाम होते हुए आगे बढ़ती है। खैरना पर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर आगे उलावगाड़ और कुचगाड़ के पानी से समेटती हुई हल्दाकोट क्षेत्र में स्थित भुजान की ओर निकल जाती है। कोसी अल्मोड़ा और नैनीताल जिले को आपस में कोसी जून कॉर्बेट पार्क के बीच से होकर गुजरती है। रामनगर के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में सुल्तान पट्टी में चंद्रौली के पास यह रामगंगा में मिल जाती है। कहा जाता है कि कोसी नदी को शांत करने के लिए उन जनपदों की स्त्रियां उफंदे नदी में सिंदूर फेंकने लगती है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि कुमारी कन्या होने के कारण कोसी सिंदूर से चिढ़ कर पीछे हट जाएगी। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएँ और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।